So let's now move to the final section in this lesson, which is resolution of optical instruments. So resolution samajhne ke liye, imagine that there is a vehicle coming from the distance. So दूर दूर तक वो जो व्हीकल के लाइट्स हैं वो अलग दिखते नहीं है, बट जैसे ही आपके पास आते हैं यू आर एबल टू सी दोस लाइट्स डिस्टिंक्टली. दिस बेसिकली हैज अ लॉट टू डू विद रेजोल्यूशन ऑफ आर आईज, विच इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो रेजोल्यूशन को हम इसी एग्जाम्पल को यूज करके समझेंगे. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारी आई की तरह अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनमें भी एक रिजोल्विंग पावर होता है. रिजॉल्विंग पावर होता है एबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट टू इमेजेस दैट आर क्लोज टूगेदर. सो दो ऐसे इमेजेस जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, उनको अलग देखने की शक्ति को हम रिजॉल्विंग पावर बुलाते हैं. सो क्लियरली जैसे हम गाड़ी का जो दो अलग लाइट है वो बहुत देर बाद ही हमें अलग देखने लगता है, शुरुआत में वो हमको एक ही दिखाई देता है. सो दैट बेसिकली इज यूज टू डिफाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई. सो रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं एज इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व. सो इसका मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनको रिजॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं उसका जो एंगुलर सेपरेशन है उसका रेसिप्रोकल. सो द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन जो जस्ट रिजॉल्व होते हैं व्हेन व्यूड थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ दिस माइट सीम अ कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग इलस्ट्रेशंस. सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से फोकस एक पॉइंट होता है. तो मान लो हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसके थ्रू लाइट पास करते हैं, तो थियोरेटिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा लाइट फोकस के थ्रू एक पॉइंट पर ही कन्वर्ज होगा. बट इन रियलिटी ऑल ऑफ अस मस्ट हैव डन दिस, जब हम सनलाइट को एक पेपर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं वो एक पॉइंट पे नहीं आता है, एक सर्कुलर बैंड पे आता है. ये रियल इमेज ऑफ अ फोकस है. सो कॉन्ट्ररी टू वॉट वी थिंक, फोकस एक्चुअली रियलिटी में एक पॉइंट नहीं होता, एंड दिस बेसिकली इज यूज टू डिफाइन रिजॉल्विंग पावर. तो मान लो बेसिकली जो हमारा लेंस है उसका अपर्चर डी है और एफ उसका फोकल लेंथ है. सो द रीजन दैट फोकस अपियर्स बिग इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन. ये जो हमारा लेंस है वो एक ऑब्स्टिकल की तरह ही है और लेंस के कॉर्नर के अराउंड डिफ्रैक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाई वी बेसिकली सी ऑल दीस बिग फोकस इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल फोसाई, इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल पॉइंटेड फोकल पॉइंट. सो एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज जो सेंट्रल मैक्सिमा है वही आपको उस मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखा है. सो जो सेंट्रल ब्राइट रीजन का जो रेडियस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय 1.22 लैम्डा एफ बाय डी. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है और डी उस लेंस का अपर्चर है. सो आर नॉट इज डिफाइंड एज 1.22 लैम्डा एफ बाय डी, वही रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट रीजन. तो अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जिससे हम रिजॉल्विंग पावर को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहला डेफिनेशन है वेल रिजॉल्व ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट्स S1 और S2 वेल रिजॉल्व तब होते हैं जब उनके पीक सेपरेट और डिस्टिंक्ट होते हैं और उनका मिनिमा भी सेपरेट और डिस्टिंक्ट होता है. एज क्लियरली यू कैन सी हियर, यहाँ पे S1 और S2 दोनों का जो मैक्सिमा है, जो उसका पीक है, वो क्लियरली अलग दिख रहा है हमें और मिनिमा है काफी शार्प है. तो जस्ट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट बेसिकली तब होता है जब S2 का मिनिमम कोइंसाइड करता है S1 के मैक्सिमम पीक से. So as you can clearly see here, S2 का जो मिनिमम है वो S1 के पीक पर पहुंच गया है. सो इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व है. नॉट रिजॉल्व तभी होता है जब दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करते हैं. तो एक का मैक्सिमा जब एक के मिनिमा में कोइंसाइड करता है, सो जस्ट रिजॉल्व एज वी जस्ट सॉ, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से जब कोइंसाइड करता है तो जस्ट रिजॉल्व होता है, और दोनों मैक्सिमा जब कोइंसाइड करते हैं तो वो अनरिजॉल्व होता है. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन द रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप. तो हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जो दूर है, एक टेलीस्कोप की लेंस. लेट्स अज्यूम दैट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका टेलीस्कोप की लेंस से एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है.
लेट्स अज्यूम फोकल लेंथ टेलीस्कोप का एफ है और उस पोजिशन पे वो जस्ट रिजॉल्व है, राइट, विच बेसिकली मीन्स एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन मिनिमा से कोइंसाइड करे। तो अब जो आर नॉट है दो ऑब्जेक्ट्स के जस्ट रिजॉल्व होने के लिए, द कंडीशन इज दैट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डेल्टा थीटा वो आर नॉट बाई एफ होना चाहिए। यहाँ पे आर नॉट उन दोनों डिफ्रैक्शन सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस है। अब डेल्टा थीटा अगर आर नॉट बाई एफ है, हम आर नॉट का एक्सप्रेशन पहले ही जानते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी एफ, सो डेल्टा थीटा हो गया 1.22 लैम्डा बाई डी। हेंस रिजॉल्विंग पावर है इनवर्स ऑफ दिस एंगुलर सेपरेशन, जब वो जस्ट रिजॉल्व है तो 1 बाई डेल्टा थीटा हो गया डी बाई 1.22 लैम्डा फॉर अ टेलीस्कोप। हमारा आई भी एक लेंस ही है, लेंस के लिए भी वही डेफिनेशन है एंगुलर सेपरेशन दोनों के बीच में 1.22 लैम्डा बाई डी ही होना चाहिए, विच मीन्स द रिजॉल्विंग पावर इज 1 बाई डेल्टा थीटा विच इज डी बाई 1.22 लैम्डा। यहाँ पे जो डी है हमारे प्यूपिल का डायमीटर होगा क्योंकि हमारी आंखों का लेंस हमारा प्यूपिल होता है। माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन स्लाइटली डिफरेंटली डिफाइन होता है। सो माइक्रोस्कोप के लिए जो रिजॉल्विंग पावर है वो दो ऑब्जेक्ट्स का तब का डिस्टेंस का इनवर्स है जब वो जस्ट रिजॉल्व हो सकते हैं। सो और इसकी डेफिनेशन होती है 2 म्यू साइन बीटा बाय लैम्डा। यहाँ पे बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का रेडियस है वो फोकस पे जो एंगल सबटेंड करता है दैट एंगल इज बीटा, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।